आप वर्किंग वूमेन हो या हो होम मेकर, 24 घंटे के समय में सुबह का समय जो होता है वो हम सभी का सेम ही होता है। बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, टिफिन पैक करना, घर के कामकाज और बहुत सारा स्ट्रेस। बट आप अपने भागदौड़ और स्ट्रेस को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका सुबह का समय बिल्कुल स्मूथली जाएगा, सारे कामों को बहुत आसान तरीके से सही समय पे और सही ढंग से कर सकेंगे। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30 और आरव जा रहा है अपना स्कूल। मैंने अपने लिए जीरा वाटर को बॉईल करने के लिए लगा दिया है। उसी बीच दूध वाला आ जाता है तो दूध ले लिया और उसे बॉईल पे भी लगा लिया। लेकिन मैं अपने सुबह के टाइम को बहुत ही स्मूथली और धीरे धीरे करके स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी देर जाके बालकनी में रहती हूँ, अच्छे से सांस लेती हूँ, खुली हवा रहती है, फ्रेश एयर रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक सुबह ही बना देती है। वेल, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको अपने आप के लिए समय चाहिए तो सुबह सभी के उठने से पहले आप आधा घंटा पहले उठे। ये आधे घंटे का समय बिल्कुल आपका रहेगा और आपसे इसे कोई भी नहीं चुरा सकता है। आप चाहे तो यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं या कोई अपना आप स्किन रूटीन फॉलो कर सकते हैं। मेरा स्किन रूटीन बहुत ही सिंपल सा है। सुबह फ्रेश होके सिंपल सा एक एलोवेरा लीव यानी फ्रेश लीव को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। और ये सुबह मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरे चेहरे पर लगभग आधा से भी एक घंटा आसान तरीके से रह सके। उसके बाद जीरा वाटर अच्छी तरह से बॉयल होके लुक वार्म हो चुका है तो इसे एक ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। साथ ही बनाया अपने लिए चाय, तो जिसे हम कहते हैं सुबह की पानी चाय, वो मैं और अमित साथ में लेते हैं। कभी अमित बना देता है, कभी मैं बना लेती हूँ, तो ये हमारे बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। और ये जो 10 मिनट का समय रहता है ये मैं और अमित बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय करते हैं। कुछ उसे बताना रहा, मुझे अपनी कोई बात कहनी रहती है तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करती हूँ। कभी बेडरूम में कर लिया, कभी बालकनी में कर लिया, देन आ जाती हूँ अपने कामों में यानी घर की साफ सफाई। घर की साफ सफाई मैं सुबह ही कर लेती हूँ, सारे जो क्लीनिंग वगैरह के काम होते हैं। और अब आ गई हूँ मैं नहाने के लिए, तो जब मैं शावर लेने आती हूँ तो यहाँ पर 2 मिनट का समय अपने बाथरूम की क्लीनिंग में देती हूँ। हल्का सा डिटॉल पानी या रेड हार्पिक से अपने फ्लोर को क्लीन कर लिया और अपने वॉश बेसिन को क्लीन कर लिया। देन अब टाइम आ जाता है पूजा पाठ करने का। बट हेयर वॉश करने के बाद हेयर ड्राई करना हमारे लिए काफी ज्यादा हैसल है, बट वरी नॉट, आई हैव अ सोल्यूशन। ये है एगारो का हेयर ड्रायर। इसमें आपको 3 हीट सेटिंग के साथ 2 स्पीड सेटिंग भी मिलेगी और ये नायलॉन व्हिसल में है। इसका एंटी स्क्लेडिंग टिप एंड स्वेल पावर कॉर्ड है जो आसानी से रोटेट करने में काफी इजी है विदाउट बर्निंग योर हैंड और विदाउट बर्निंग योर स्कैल्प। दिस इज सच अ सेवियर फॉर मी। ये मेरे बालों को ड्राई तो करता ही करता है। इसका एक बहुत ही अमेजिंग पार्ट ये है कि ये आपके बालों को पॉलिश भी करता है। आप इससे अपने हेयर का एवरी सिंगल पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसे स्टाइल भी कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है वो काफी ज्यादा ही अमेजिंग होता है। तो अगर आप एक अच्छा हेयर ड्रायर का सर्च कर रहे हैं तो यू मस्ट गो विद एगारो हेयर ड्रायर। ये आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है एंड यही इस हेयर ड्रायर की सबसे अच्छी बात है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां के लिंक से इसे परचेस कर सकते हैं। तो अब यहां से शुरू होती है हमारी रियल स्टोरी यानी ब्रेकफास्ट बनाना, टिफिन प्रिपेयर करना, टाइम पे हस्बैंड को ऑफिस भेजना और किचन के बहुत सारे काम। बट होल्ड ऑन, मेरे साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि मैं अपने किचन को रात में ही अच्छी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए आपको मेरा नाइट रूटीन देखना होगा कि मैं क्या करती हूँ। तो रात में सभी के डिनर कर लेने के बाद सबसे पहले मैं अपने किचन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। सारे जूठे बर्तन वगैरह को मैं सिंक में रखूंगी और उसके बाद उसे क्लीन करूंगी। अगर आपके घर में मेड आती है तब आप इन बर्तनों को सिंपल से पानी से धो के रखें। अगर आपके घर में मेड नहीं आती है तो अभी ही इन कामों को जल्दी से निपटा लें क्योंकि सुबह आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप जूठे बर्तन को धो सके। और बर्तन को धो लेने के बाद मैं सारे बर्तन को जगह पे भी मैं रात में ही रखती हूँ ताकि सुबह बिल्कुल स्मूथ रहे, ना ही वहां पर किसी तरह की भागा दौड़ी हो। तो बर्तन वगैरह को आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में आप कैसे स्टैंड में रख सकते हैं, आप लोग को बताया है कि सारे बर्तन को सेक्शन वाइज कर ले, उसके बाद एक एक ड्रॉवर खोल के उसे बस आप वहां पर रख दे और काफी इजी तरीका है और मेरा यहाँ पर टाइम भी काफी ज्यादा सेव हो जाता है। तो ये काम तो हो गया झटपट तैयार। अब मैं अपने गैस स्टोव को अच्छी तरह से क्लीन कर
करूंगी, चना या काबली चना वगैरह को भिगो ना देना है, वो तो वो काम मैं यहीं पर कर लूंगी। और रात में इस तरह के क्लीन किचन का एक और फायदा ये भी है कि हमारे किचन में किसी भी तरह के कॉकरोच चूहे वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये साफ सुथरा रहता है। नेक्स्ट, किचन टॉवल जो हमारे दिन भर में यूज आते हैं, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पर ग्लूकवॉर्म वाटर में देके अच्छी तरह से साफ कर लूंगी कि सुबह हर एक चीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आए। तो ये देखिए, मैंने अपने किचन को सुबह के लिए तैयार कर लिया है। और जब इतना साफ सुथरा किचन जब मॉर्निंग में मिलता है, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके किचन से आती है और मन करेगा कि आप अपने किचन में थोड़ा सा टाइम वहां पर ज्यादा स्पेंड करें, ताकि हर पर्सन के लिए आप अच्छी अच्छी चीजें बना सके। तो मॉर्निंग के समय यहाँ मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की बहुत ही रसदार सब्जी, जो पूड़ी वगैरह में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वेल, आज तो मैं पूड़ी नहीं बना रही हूँ, आज मैंने सिंपल से बाजरे की रोटी बनाई है और उसके साथ कट किए बहुत सारे फ्रूट्स। तो ये मेरे सुबह का रूटीन रहता है, ना ही भागा दौड़ी, ना ही किसी तरह का स्ट्रेस। और सुबह 6 से 10 का जो समय होता है वो हर लेडीज के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम रहता है, बट आप कुछ हैक्स एंड कुछ अच्छी आदतों को अपना के अपने इस समय को बहुत ही स्मूथ कर सकते हैं और बिना स्ट्रेस लिए आप अपने होम मेकिंग की जर्नी को और ज्यादा ही खूबसूरत बना सकते हैं। वेल, रिसेंटली बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो अभी से ही मैंने अपने फेस को पैम्पर करना स्टार्ट कर दिया है। आज मैं आप लोग को शायद शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे अपना बहुत ही अच्छा फेस क्लीनअप कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पर मैंने कच्चा दूध लिया है, कच्चे दूध में सबसे पहले यहाँ गुलाब जल डाला है और उसमें डाला है कॉटन पैड। कॉटन पैड को लेके सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करेंगे। रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध एक ऐसा क्लींजर है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके फेस से सारी गंदगी को बाहर निकालने के लिए। बस इसे लगा के आप 5 से 10 मिनट इसे एज इट इज छोड़ दें और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका फेस कितना ज़्यादा ही क्लीन हो चुका है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले, तो यहाँ पर आप स्टीम लें। स्टीम लेने से क्या होता है कि सारे जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं वो सारे बहुत ही आसान तरीके से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके हाल बिल्कुल मेरी तरह है, आपके घर में कोई भी स्टीमर नहीं है, तो आप यहाँ पर गर्म पानी में इस तरह के तौलिए को डिप करके अच्छी तरह से निचोड़ ले। ध्यान रखने की बात बस इतनी सी है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस टॉवल से अपने चेहरे को वॉश करें, आपको स्टीम वाले सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पर मैं एक स्क्रबर घर पर बना रही हूँ, मैंने लिया है कॉफ़ी पाउडर, देन लिया है पीसी हुई चीनी। अब इसमें ऐड करेंगे मधु, जिसे हम हनी कहते हैं। हनी हमारे स्किन के एक्ने और हाइपर पिगमेंटेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है और हमारे स्किन को हाइड्रेट भी करता है। और यहाँ पर लेंगे गुलाब जल। तो ये हमारा होममेड स्क्रबर बनके तैयार हो गया है। तो जो पूरा फेस क्लीनअप का तरीका होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस अच्छी बात इतनी सी है कि इसके लिए आपको कोई भी महंगे महंगे चार्जेस देने की जरूरत नहीं है ना, और सारी चीजें आपको घर पे अवेलेबल हमेशा मिलेगी। तो इसे लगा के आप 5 मिनट एज इट इज छोड़ दें और उसके बाद आप यहाँ पर अपने हाथों को गीला कर ले। गीले हाथों से अपने फेस को अच्छी तरह से मसाज करें। कॉफी पाउडर, चीनी एक स्क्रबर का काम आपके फेस पे करेगा और आपके चेहरे में जितने भी दबी हुई गंदगी है वो सारी बाहर निकल जाएंगे। नोज तो सिंपल से चीक में, नोज के साइड एरिया में मैं यहाँ पर अच्छी तरह से मसाज करूंगी और इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। देन वापस ये गीला टॉवल लेके मैं इसे पोंछ दूंगी और आपको अभी ही दिख रहा होगा कि मेरा फेस कितना ज्यादा ही क्लीन होते जा रहा है और ग्लो आते जा रहा है। वेल, फेस पे जब गंदगी बैठी रहती है तो आपकी जो नेचुरल खूबसूरती होती है वो दबती चली जाती है। तो जरूरत है टाइम टू टाइम हम अपने फेस की जरूर क्लीन अप करें। नाउ अब मैं यहाँ पे फेस मास्क बना रही हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा जेल, देन लिया है मधु और उसके बाद यहाँ पर लिया है 1 पिंच हल्दी यानी टर्मरिक। ये जो फेस मास्क है ये काफी ज्यादा वायरल है, बहुत सारी एक्ट्रेस अपनी डेली लाइफ पे इसे ट्राई करती है क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। तो बस इसे एक फेस मास्क की तरह अपने पूरे फेस पे लगा देंगे, अपनी आंखों को बचाए रखें, बाकी सारी जगह आप इसे लगा लग सकते हैं। अब इसे आपको 20 मिनट रखना है। वेल, हम होममेकर को हर चीज के लिए समय है, लेकिन खुद के लिए समय निकालना हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। फिर कहते हैं कि हमें तो टाइम, वेल ये 20 मिनट रहेगा। तो थोड़ी सी यहाँ पर मैं लंच की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। उसके बाद यानी 4th स्टेप जो होता है टोनर का, वो भी आप इजीली होममेड कैसे बना सकते हैं वो बताने वाली हूँ। तो खीरा लिया है, खीरा को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया और एक स्ट्रेनर के हेल्प से यहाँ पर मैं कुकुम्बर जूस निकाल लूंगी यानी खीरे का रस निकाल लेंगे। स्ट्रेनर से इसे निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। देन इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। गुलाब जल को ऐड करने के बाद हमारा फेस टोनर बन के तैयार है। बहुत ही महंगे महंगे टोनर आप मार्केट में देखते होंगे,
और मैंने बहुत सारे टोनर को भी ट्राई कर लिया है, सिर्फ उसमें फ्रेग्रेंस रहता है और कुछ भी नहीं। तो ये आपका होममेड टोनर बहुत ही इफेक्टिव रहता है और ये हर स्किन टाइप के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसे स्प्रे बॉटल में मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब क्या करेंगे, 20 मिनट चुकी हो चुके हैं, तो ये जो मैंने फेस मास्क लगाया था इसे हटा लेंगे। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है इस तरह के फेस मास्क। जब भी आप किसी घर में किसी भी तरह के फेस पैक को बनाते हैं, आपका तरीका अपनाते हैं, तो आपका फेस बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगता है। इंस्टेंट ग्लो तो आता ही आता है। टाइम फॉर होममेड टोनर, और जब आप इसे लगाइएगा सारे स्ट्रेस को बहुत ही ज्यादा रिलीफ करता है। और अगर आप यही चारों प्रोसीजर आप अगर सैलॉन में कराते या कोई पार्लर में कराते तो डेफिनेटली आपके 1000 रुपीज जरूर ही खर्च हो जाते। तो घर पे ही आपकी सारी चीजें हैं, इस फेस क्लीनअप को जरूर ट्राई करें और फेस्टिवल के दिनों के लिए अभी से ही अपने आप को तैयार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।